Hello everyone, assalamu alaikum, welcome, khushamadi, jiyanu and bakhair ragle to all my very beautiful listeners. Kaise hain aap tamam log? Umeed karti hu theek thaak honge, bakhair afiyat honge aur apni apni zindagiyon mein full chill kar rahe honge. Aisa hi hai? अगर ऐसा है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो कोई बात नहीं. जिंदगी में सब कुछ आपके हिसाब से नहीं होता, बहुत कुछ अल्लाह ताला के हिसाब से होता है. ठीक है, तो अगर ये अनहैपनिंग है तो कोई बात नहीं, हमारा शो आपके साथ मौजूद है और इसमें आप बहुत कुछ जानते हैं, सीखते हैं और शायद आपको भी अपनी जिंदगी का एक पाथ सिलेक्ट करने में आसानी हो यहाँ से हमारे शो जिसे आप में और हम सब जानते हैं, करियर क्राफ्टर द अनप्लग्ड पाथ. और इसके एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर जनाब प्रेजेंट बॉस, आपकी ऑन नॉन आरजे आरजे करतुलन अब्बासी. बिल्कुल, और हमेशा की तरह आज भी एक करियर है, आज भी एक फील्ड है जिसे आप लोग बहुत ज्यादा पसंद भी कर रहे हैं और उसमें आ भी रहे हैं. किसी जमाने में बहुत ज्यादा मायूब समझा जाता था इसे एज अ प्रोफेशन जब लेने की बात होती थी, लेकिन अब इसे बड़े एलीट क्लास के जो बच्चे हैं और बच्चियां हैं वो भी इसमें आ रहे हैं और आम घरों के बच्चे और बच्चियां भी इसमें आ रहे हैं. किसी भी तरह की डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. जी, बात कर रही हूँ फूड इंडस्ट्री की, होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म की बात कर रही हूँ, जिसे अब बाकायदा डिग्री हमारे मुल्क में नहीं लेकिन बाहर मुल्क में से डिग्री का दर्जा दे दिया गया. यहाँ पर रिकॉग्नाइजेशन उसे एज अ डिग्री नहीं है लेकिन डिप्लोमास कंसिडर किए जाते हैं और ये करने के बाद आपको बाहर किसी भी मुल्क में बहुत अच्छी और व्हाइट कॉलर जॉब मिल सकती है और आप बहुत अच्छी अर्निंग कर सकते हैं. तो आज का हमारा शो करियर क्राफ्टर द अनप्लग्ड पाथ इसी हवाले से है और आज के जो हमारे गेस्ट हैं बिल्कुल वो भी इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं और उन्होंने इसमें डिफरेंट डिप्लोमास किए हुए हैं और वो प्रोफेशनली इस वक्त काम भी कर रहे हैं और एज वेल एज वो एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं. तो ये बात यहाँ बताने का मकसद ये था कि तालीम आपकी बहुत ज्यादा जरूरी है. इस तरह के जो कलिनरी आर्ट्स हैं, डिप्लोमास हैं, ये लें आप, लेकिन अपनी तालीम को साथ रखें क्योंकि ये दोनों साथ होंगी तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा. सिर्फ एक चीज के सहारे आप कुछ नहीं कर सकते. तो लिसनर, इस बात पर आप लोगों ने गौर करना है, ध्यान रखना है. ठीक है, सिर्फ एक चीज, एक हुनर होने से बाज दफा कुछ नहीं होता. साथ में जब उसके कहते हैं ना एक और, जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो कपड़ों पे जब हम लेस लगाते हैं, बेल लगाते हैं, तब कहीं जाकर एक खूबसूरत और बुनफरिद लिबास आपके सामने तैयार होकर आता है. तो इसी तरह कुछ खानों में भी ऐसी बात है और इसी तरह आपकी डिग्री होगी और आपके पास ये जो डिप्लोमास होंगे तो फिर आपकी जो जो वर्थ है ना वो निखर के सामने आएगी और लोग आपको हाथों हाथ लेंगे. तो इन चीजों का ख्याल रखते हुए इस फील्ड की तरफ आपने जाना है, इसे अपना करियर एज अ करियर इसको आपने लेना है. ठीक है, तो आसिफ जौहरवर्दी साहब जो आज के हमारे गेस्ट होने वाले हैं, इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं और एज वेल एज जैसे कि मैंने बताया आपको कि एमएस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने अपना ग्रेजुएशन जो कंप्लीट किया वो स्पेशल एजुकेशन के साथ किया. तो ये बताने का मकसद यहाँ पर ये है कि उन्होंने जब एज अ शेफ काम किया तो उन्होंने डिफरेंट कैटेगरी के लोगों के साथ काम किया जिसमें डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे, इसके अलावा जो है विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे, जो स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं जिन्हें कुछ स्पेशल नीड्स होती हैं, जो साइटेड या नॉर्मल, जिन्हें सोसाइटी नॉर्मल नहीं समझती, उनके साथ भी काम किया है. तो इनका एक्सपोजर और एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा और बहुत वास्ट है. तो आज वी आर सो लकी टू हैव हिम हियर इन आवर स्टूडियोस और आप लोग बहुत कुछ जानेंगे और बहुत कुछ सीखेंगे. नई सुबह वेब रेडियो आप सुन रहे हैं और नई सुबह वेब रेडियो का एक बहुत ही खूबसूरत इनिशिएटिव है कि वो लोगों को इस तरह से काउंसलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, एजुकेशन वाइज भी और करियर वाइज भी. और अगर इन केस आपसे हमारा शो मिस हो जाता है, वैसे तो होना नहीं चाहिए, और हमारी ये सीरीज बहुत ही जल्द यूट्यूब पर भी आने वाली है, आपको वहां पर भी मिल सकती है. तब तक जो है आपने इंतजार करना है और हमारा शो मिस नहीं करना है, उसे एंड तक सुनना है, आपको बहुत मजा आएगा, ट्रस्ट मी. साथ रहकर देख लीजिए, अगर मजा ना आए तो फिर बताएगा. ठीक है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप 0330860072 या फिर फेसबुक www.facebook.com/naisubahinstitute. तो आपको जो भी आसान लगे वहां पर आप चले जाइए और हमें अपना फीडबैक दे दीजिए, वो लाजमी देना है क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, हम इतनी मेहनत आपके लिए करते हैं ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो सके. ठीक है, फाइनली वो वाली जो घड़ी है ना जिसका आप लोग बहुत ज्यादा इंतजार करते हैं, यानी कि हमारे गेस्ट जिनके बारे में हम बात कर रहे थे और आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो मुझे लगता है हर शख्स का पसंदीदा होता है और वो है खाना, फूड. तो चाहे कहीं पर कुछ भी क्राइसिस आए ना, खाना एक ऐसी चीज है वो आप छोड़ नहीं सकते हो, कम कर सकते हो लेकिन खत्म नहीं कर सकते. तो ठीक है, फूड इंडस्ट्री जो है ना वो कभी भी डाउनफॉल का शिकार नहीं होती है. ठीक है, जितना मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, तो आज भी हम जिस करियर के हवाले से बात कर रहे हैं वो होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म से रिलेटेड है और उसी के एक एक्सपर्ट को हमने यहाँ बुलाया है करियर क्राफ्टर द अनप्लग्ड पाथ के इस नए एपिसोड में और उनसे हम बहुत कुछ जानेंगे, सीखेंगे और वो बहुत इस फील्ड के माहिर
माने और जाने जाते हैं, ठीक है। ज्यादा मैं खुद से नहीं बताऊंगी क्योंकि वो अपने बारे में खुद आपको बहुत ज्यादा अच्छा और बेहतर तौर से एक्सप्लेन कर सकते हैं। आसिफ सोहरावर्दी हमारे आज के गेस्ट हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो वेरी मच सर फॉर कमिंग हियर एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर सच एन अमेजिंग इंट्रोडक्शन। एंड आपने शायद थोड़ा सा मुबालगा आराई इसमें कर दी है, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। अगर जो है आपकी इजाजत हो तो हम आगे कंटिन्यू करें। जी बिल्कुल, और नहीं आपने थोड़ा सा कैटेगरी से काम ले लिया, लेकिन कोई बात नहीं, मुझे लगता है बड़े लोगों की यही पहचान होती है लिसनर्स। तो यहाँ पर जो मिस्टर आसिफ हैं, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप हमारे लिसनर्स के लिए थोड़ा सा बताएं कि आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है और आपका जो एजुकेशनल जर्नी है वो किस तरह से स्टार्ट हुआ, इस फील्ड में आप किस तरह से आए, तो और आपका एकेडमिक जो है वो क्या था, और एकदम से आपने कैसे स्विच किया होटल मैनेजमेंट और ये कलिनरी आर्ट की तरफ, प्लीज। वेल, इट वॉज नॉट वेरी प्लान, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आई विल नॉट से कि मैं बहुत पैशनेट था, तो आई वॉज प्लानिंग इट। प्लस वेन आई डिड दैट, इट वॉज बैक आई गेस 4-5 years अगो, या शायद उससे भी ज़्यादा। तो जब इतनी अवेयरनेस नहीं थी, इट वॉज अ बिट डिफिकल्ट कन्विंसिंग माई पेरेंट्स के मुझे कुकिंग की तरफ जाना है और ये सारी चीज़ें करना है। तो वो आई गेस वेन आई डिड माई मेट्रिकुलेशन, उसके बाद से ये तगो दौ स्टार्ट हुई। एंड साथ में मेरे पेरेंट्स वर मोर फोकस्ड कि मैं जो है टूवर्ड्स द किसी फॉर्मल डिग्री की को परसू करूँ, लाइक इंटरमीडिएट एंड देन मास्टर्स या बैचलर्स एंड मास्टर्स। तो वो मैट्रिक के बाद मैंने काम शुरू किया कि आई स्टार्टेड विजिटिंग प्लेसेस एंड ऑल। अब मैंने अपना इंटरमीडिएट कम्प्लीट किया एंड देन आई जॉइंड कॉथम फॉर दिस कलिनरी थिंग। तो जो है उसमें ये मामला हुआ हमारा कि लेकिन पैरेलल मुझे जो है साथ में कोई ना कोई डिग्री रखनी थी। दिस वॉज वन थिंग विच माई फादर आस्क्ड मी। तो मैंने अपना बैचलर्स स्पेशल एजुकेशन के अंदर किया, साथ का साथ मेरा जो अपना एडवांस डिप्लोमा इन कलिनरी आर्ट्स था वो कॉथम से चल रहा था और मैं अपनी डिग्री को साथ परस्यू कर रहा था। वंस माई बैचलर्स ended, then I did my master's in clinical psychology and now I am doing my MS in clinical psychology. तो ये मेरी academic information है जो parallel मेरी certification के साथ चलती रही। उसके अलावा मैंने एक online ये घर से bakery थी, cakes by Karimi, I was working over there as a pastry chef and a baker. And उसके बाद then I was a visiting faculty at Nayi Subah. And then I was a visiting faculty at two different places. At one place, I was dealing with children with Down syndromes. And dusri jagah pe, I was a normal individual ke sath I was working. So, ye basic mera experience raha hai, like towards cooking and then moving towards baking and pastry. So, ye basic mera ho raha hai. Awesome, माशाल्लाह। और हरफिन मोला अगर कहा जाए तो फिर भेजा ना होगा, क्योंकि MS क्लिनिकल साइकोलॉजी और फूड इंडस्ट्री ये दोनों बहुत ही ज्यादा एक दूसरे से ऑपोजिट हैं, लेकिन आपने उन दोनों का मर्जर किया है और क्या खूब किया है। और डाउन सिंड्रोम और फिर विजुअली इम्पेयर्ड और फिर साइटेड पर्सन, और आप सबके साथ काम कर रहे हैं और सबको पैरेलल लेके चल रहे हैं, इट्स रियली अमेजिंग। एंड आई एम सो ग्लैड कि आज आप नई सुबह वेब रेडियो के स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे लिसनर्स यकीनन आपसे बहुत कुछ जानेंगे। यहाँ मैं एक मिथ है, पता नहीं मेरे माइंड में क्वेश्चन है, आप प्लीज उसे क्लियर कीजिएगा, और वो ये है कि खवातीन हमारी सोसाइटी में उनको मतलब रिलेट किया जाता है किचन से, कुकिंग से, और लेकिन वर्ल्ड वाइज जितने शेफ अच्छे होते हैं वो सब मेल होते हैं, तो क्या बात हुई? जब मतलब बड़े लेवल पे बात आती है तो खवातीन की कुकिंग कहाँ चली जाती है, तो ये क्या है, मतलब ऐसा क्यों होता है बीइंग अ मेल शेफ? आप जरा इसे थोड़ा सा एलैबोरेट करें। अच्छा देखें, अगर हम कुकिंग इंडस्ट्री को मद्देनजर रखें तो हमारे पास जो हमारे हॉट किचन्स होते हैं, हॉट किचन्स उन्हें कहा जाता है जिसके अंदर कुकिंग बेसिकली हो रही होती है, चूल्हों के साथ काम होता है। तो उसमें काफ़ी हद तक जो होते हैं वो मर्द हजरात ही आपको नजर आएंगे। खवातीन जो होती हैं हमें वो कोल्ड किचन के अंदर नजर आती हैं, जहाँ पे केक डेकोरेशन हो गया या वो काम जहाँ पे बहुत नफासत और इन चीज़ों के साथ काम करना होता है, वहाँ पर हमें खवातीन ज़्यादा नजर आती हैं, एज अ बेकर और ये सारी चीज़ें। बेसिक मसला ये होता है जब हम कुकिंग कमर्शल लेवल के ऊपर कर रहे होते हैं तो हमें मेल जो पावर होती है वो इस मीन में होती है कि फिजिकल स्ट्रेंथ आपको चाहिए होती है, आपको बड़े पतीले लिफ्ट करने होते हैं, आप हाई प्रेशर के ऊपर काम कर रहे होते हैं, तो ये वाली चीज होती है, आपको ऑर्डर्स मीट करने हैं, मतलब डेडलाइंस मीट करनी है, आपको ऑर्डर्स होने चाहिए। तो इन सब चीजों के अंदर जब हम एज अ जॉब देख रहे होते हैं तो इस वजह से मेल्स जो है यहाँ पर चीजें बेहतर चीजों को मैनेज कर रहे होते हैं। इट्स नॉट दैट द वुमेन कैन नॉट डू दैट, बट खवातीन इतना स्ट्रेस और ये चीजें उमूमन गिव अप कर जाती है, फिर देन दे मूव टूवर्ड्स। लेकिन अब जिस
अब मतलब जिस एरा के अंदर अब हम मौजूद हैं इसमें खवातीन भी इक्वली ही काम कर रही हैं, लेकिन उनकी जो सेटिंग्स होती हैं वो डिफर करती हैं। मींस के वो खवातीन जो है कुछ जगहों पे घर से काम कर रही होती हैं, बहुत अच्छे से होम बिजनेसेस खवातीन चला रही हैं, बहुत बड़े लेवल के ऊपर भी काम कर रही हैं, लेकिन जो हॉट किचन्स या प्रोफेशनल किचन्स होते हैं वहाँ पर मेल्स इसलिए नज़र आते हैं क्योंकि वहाँ के इक्विपमेंट्स ये सब डीलिंग के लिए फिर मर्द हजरात जो है वो ये चीज़ों को बेहतर तरीके से डील करते हैं, लेकिन अब उन रेशो के अंदर भी डिफरेंसेस हैं हमारे। करेक्ट, सच अ रैशनल एक्सप्लेनेशन फ्रॉम योर साइड, थैंक यू फॉर दैट। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक और क्वेश्चन है कि जब आपने कॉथम ज्वाइन किया और आप ये सीख रहे थे, अपना डिप्लोमा यहाँ से कंप्लीट कर रहे थे, उस वक्त इस करियर का क्या स्कोप था जब और आपने क्या सोच के आपने इसमें कदम रखा, और अब जब आप प्रोफेशनल मतलब फील्ड में हैं काफी टाइम से, तो अब आप क्या देखते हैं, इसका स्कोप बड़ा है, कम हुआ है, या लोग अब इसमें किस तरह आ रहे हैं? क्योंकि जब आपने ज्वाइन किया होगा डेफिनेटली तब इतना ज्यादा ये जो है ना आई कैची नहीं था, लोग नहीं जानते थे कि ये भी एक चीज होती है जिसे आप डिग्री के तौर पर ले सकते हैं, तो तब में और अब में क्या डिफरेंस है आसिफ? देखिए, तब में और अब में सबसे बड़ा डिफरेंस अवेयरनेस का है, क्योंकि पहले जब व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, मतलब जब व्हेन आई स्टार्टेड दिस डिप्लोमा, उस वक्त हमारे टीचर्स जिन्होंने 1998, 2000, 2001 में अपने सर्टिफिकेशंस, अपने डिप्लोमास, अपनी डिग्रीज कंप्लीट की थी, तो दे यूज्ड टू से दैट के जो है बहुत सारे ऐसे केसेस थे जहां पर वो लोग अपने पेरेंट्स को बताते नहीं थे कि वो कौन सी डिग्री को परसू करें, जस्ट बिकॉज के जो मामलात हैं वो मतलब अवेयरनेस नहीं थी, चीजों की नो हाव नहीं थी, ये सारी चीजें नहीं थी, तो इस वजह से देन व्हाट हैपेंड। लेकिन जब व्हेन आई गॉट इनटू दिस फील्ड उस वक्त भी ये मामला थे, मतलब जब मैं बताता था आई एम द ओनली सन, तो इस केस में ये होता था एवरीबॉडी यूज टू आस्क मी के यू आर द ओनली सन एंड यू आर डूइंग दिस, मतलब आप अपने वालदैन के इकलौते बेटे हैं और आप ये काम कर रहे हैं, तो मतलब इस तरह से समझा जाता था, तो उनको जस्टिफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था कि भाई अब छोड़ो, इनको क्या बताना, उनको बोलना हाँ भाई शौक है इस पे कर रहे हैं, शायद आगे जाके चेंज कर देंगे, इस तरह के बहुत सारे मामला होते थे। तो लेकिन अब में ये है कि बच्चों को बहुत ज्यादा मालूम है, अब ये सोशल मीडिया का दौर है, बहुत ज्यादा चीजें ग्लैमराइज हो गई हैं, बच्चे कंपटीशन में जा रहे हैं, इंटरनेशनल कंपटीशन, ये मास्टर शेफ, ये बहुत सारी ऐसी चीजें जिनकी वजह से अब बच्चों को बहुत प्रॉपर नॉलेज हो रही है, एंड जिन बच्चों को एक्चुअल शौक होता था वो अब प्रॉपरली घर से वीडियोज बनाकर इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म के जरिए से अब जाके चीजें कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो ये बहुत मतलब बहुत वास्ट डिफरेंस है इन 5-6 सालों के अंदर। हमारे वक्त इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब बहुत ज्यादा हो गई, मतलब नाउ जो लोग पहले हमें बोलते थे कि तुम ये क्या कर रहे हो और वो अपने ही बच्चों को काउंसिल करवाने लेकर आ रहे होते कि भाई इनको गाइड करो, दे आर इंटरेस्टेड इन दिस फील्ड, हाउ कैन दे टेक द पार्ट, तो ये बहुत बड़ा माइंडसेट का बहुत बड़ा शिफ्ट है पेरेंट्स के, बच्चों के, उसमें जनरल ऑडियंस के उसमें, तो ये सारी चीजें। इट्स अ ह्यूज सक्सेस फॉर यू आई गेस कि वही पेरेंट्स अब आपके पास लेकर आ रहे हैं कि आप हमारे बच्चे की थोड़ी सी काउंसलिंग कर दें। वाओ, और मुझे लगता है डिजिटल मार्केटिंग ने काफी फैसिनेट कर दिया है इस फील्ड को ना, जो कुकिंग और कलिनरी आर्ट की बात अगर हम करते हैं, और फिर हर चीज को ना ब्रांच बना दिया, लाइक पेस्ट्रीज अलग है, बेकिंग को अलग कर दिया इन्होंने, फिर देसी अलग है, कॉन्टिनेंटल, मतलब बहुत वास्ट हो गया, तो जाहिर सी बात है लोग अट्रैक्ट होते हैं, और नए नए जिनको खानों के शौक होते हैं ना उनके लिए भी ये चीज बड़ी अट्रैक्शन का बायस होती है। और हम बात कर रहे थे रिलेटेड टू फूड एंड कलिनरी आर्ट, और वो किस तरह इस तरफ आए और तब और अब में उनको क्या फर्क महसूस हुआ, ये तो बातें हमने कर ली हैं। लेकिन अब उन स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कि वो इसे करियर बनाए और वो किसी बड़े रेस्टोरेंट में या किसी आउट ऑफ कंट्री वो जाएं और इसी को मतलब यू नो सोर्स ऑफ अर्निंग वो अपना इससे जनरेट करें, तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करते हैं कि डिग्री जो उनकी एकेडमिक डिग्री है वो किस हद तक वैल्यू रखती है, या उसको बिल्कुल ही छोड़ देना मतलब किसी तरह का फायदा है, ये प्लीज उनको बताइएगा कि डिग्री होना किस हद तक जरूरी है। सेकेंड, अगर वो इस तरफ आना चाहते हैं तो वो कौन सी ऐसी जगह है जहां वो जा सकते हैं, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है जब आप किसी ऐसे इदारे में जाते हैं फॉर कलिनरी आर्ट और समथिंग रिलेटेड टू होटल मैनेजमेंट एंड टूरिज्म, प्लीज। ओके, सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इस केस के अंदर ये है कि हमारे पास जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो बहुत हद तक फ्लेक्सिबल, मतलब आपको जो है बेसिक कुछ जगहों पे ये कहते हैं कि मैट्रिक के बाद बच्चा इनरोल हो सकता है, कुछ जगहों पे ये कहते हैं कि बच्चा इंटरमीडिएट के बाद भी इनरोल हो सकता है, तो एज एन आपको कोई ग्रेजुएशन नहीं रिक्वायर्ड है जितना मुझे मालूम आता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। इंस्टीट्यूट अब बहुत हो गए, मतलब लिटरली काफी इंस्टीट्यूट हो गए, लेकिन वही वाली बात है, आपने देखना है कि कौन सा इंस्टीट्यूट कितना ऑथेंटिक
ठीक है, कुछ जगहों पे ये होता है कि वहां पे बहुत सारे क्वैक्स भी आपको मिलेंगे, मतलब वो आपको बोलेंगे कि हम ये भी करवा देंगे वो भी करवा देंगे, तो यू हैव टू बी रैशनल इनफ कि क्या वो चीज रीजनेबल है, क्या वो चीज प्रोवाइड की जा सकती है। तो इसके बारे में आपने थोड़ा सा कॉशियस रहना, यू जस्ट डोंट गेट इनटू एन इंस्टीट्यूट और आप जाके एडमिशन नहीं ले लें, पहले उसकी अपनी सर्चिंग करें, लोगों के वर्ड ऑफ माउथ के बारे में मतलब पता करें कि क्या भाई वो ऑथेंटिक इदारा है, वो क्या जो चीज वो बोल रहे हैं कि वो प्रोवाइड करते हैं तो क्या वो वाकई में प्रोवाइड करते हैं या नहीं। तो ये पहले आपकी अपनी सर्चिंग है जो आपने करनी बहुत जरूरी है। उसके बाद नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि डिग्री और सर्टिफिकेशन में कि क्या हम पैरेलल लेके जाएं या हम किसी एक के साथ भी जा सकते हैं, इस केस में यू हैव टू बी वेरी कॉशियस क्योंकि देखें आपकी अपनी जो एजुकेशन है वो बहुत मैटर करती है, टू द एक्सटेंट कि अगर खुदा ना खास्ता आपको यहाँ पर कोई जॉब का अभी अवेलेबिलिटी, क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप ग्रेजुएट हुए हैं और वहाँ पे लोग खड़े हुए हैं आपको जॉब के लिए लेने के लिए या इस तरह के कोई मामला, तो यू हैव टू स्ट्रगल अ बिट, तो उस केस के अंदर आपको सपोर्ट करती है आपकी क्वालिफिकेशन। आप अगर साथ में कोई डिग्री बी कॉम बच्चे कर रहे होते हैं या कोई बैचलर्स होता है तो उनको ये होता है उनके लिए पैरेलल हेल्प मिल जाती है उनको। फिर देयर इज अ वास्ट डिफरेंस बिटवीन अ डिग्री एंड अ डिप्लोमा, तो इस बारे में भी ख्याल रखिएगा कि डिग्री की अपनी वैल्यू होती है। अनफॉर्चुनेटली अभी तक पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो आपको प्रॉपर डिग्री दे रही है, जैसे कराची यूनिवर्सिटी एक डिग्री देती है, आगा खान यूनिवर्सिटी एक डिग्री देती है, इस तरीके की कोई यूनिवर्सिटी अभी तक नहीं है। लोग क्लेम करते हैं दैट दे प्रोवाइड डिग्री और ग्रेजुएशन के बराबर होती है, बाहर जाके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन टॉकिंग अबाउट द सिनेरियो हियर आपको बहुत ख्याल रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोई HEC जो हमारा हायर एजुकेशन कमीशन है वो ये डिग्रीज को नहीं मानता एज अ डिग्री, वो डिप्लोमा सर्टिफिकेशन पे जरूर आपको आगे फैसिलिटेट करेगा लेकिन वो एज अ डिग्री आपको नहीं उसमें मामले में फैसिलिटेट कर सकता, तो ये ख्याल रखना। तो अगर आप अपनी डिग्री साथ रखते हैं तो आपको वाकई में बहुत फायदा होगा। जैसे अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट माय ओन सेल्फ, मेरे करियर पाथ में मुझे मेरी डिग्री ने इसमें में बहुत हेल्प किया क्योंकि अपार्ट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स आई हैव अ रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, तो मेरी वोकेशनल ट्रेनिंग और इन सब चीज़ों के अंदर मुझे बहुत जो है हेल्प किया, एंड पीपल नोइंग मी एज अ शेफ से ज़्यादा पीपल नो मी एज समबडी हु वर्क्स विद चिल्ड्रन हु हैव स्पेशल नीड्स, तो मेरे लिए बहुत आसान था इन दोनों करियर्स को साथ लेके चलना, डिफरेंट वेरिएशंस के साथ काम करना और मेरा एक्सपोजर भी इसकी वजह से बहुत बड़ा। तो व्हेन यू आर ऑप्टिंग इट एज या परस्यूइंग इट आगे जाके तो कोशिश करो कि बैकअप के ऊपर कोई डिग्री जरूर हो ताकि खुदा ना खास्ता कोई फ्लक्चुएशन आए, ऊपर नीचे चीजें हों तो आपके पास एक ऑथेंटिक डिग्री हो, बिकॉज आप अपने 15 साल 16 साल 17 साल ये जो उम्रें होती है ना इनमें यू हैव मोर एनर्जी, यू कैन डू अ लॉट, वो एनर्जी आपकी 25-30 साल की उम्र में नहीं रहती। वंस यू आर नॉट एबल टू सक्सीड खुदा ना खास्ता तो फिर आपको होता है मैं कोई डिग्री का डू दैट, तो इसलिए साथ में रख लो ताकि बैकअप हो, खुदा ना खास्ता कभी जरूरत पड़े या कोई और चीज को वो करना है, मैनेजमेंट साइड देखनी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त थे मेरे साथ जो MBA करने के बाद ही कर रहे थे बिकॉज उनको शेफ नहीं बनना था लेकिन उनको रेस्टोरेंट्स चलाने थे तो वो खुद मैनेजमेंट साइड के थे और वो अपने नीचे लोगों को रख के काम करवा रहे थे। तो बहुत तरीके के काम आप कर सकते हैं डिपेंडिंग आप कितना आगे जाना चाहते हैं। जी ऑलराइट, तो लिसनर सुना आपने कि बैकअप प्लान आपकी लाइफ में हमेशा होना चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना कि ए और बी प्लान, हमेशा अगर ए की तरफ आप नहीं जा सके तो आप किसी भी वजह से बी की तरफ स्विच कर सको। अब कुछ लोग कहते हैं नहीं अगर ये नहीं तो कुछ नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता, हमेशा आपके पास ऑप्शंस मौजूद होने चाहिए और फिर आप जो बेस्ट ऑप्शन है उसकी तरफ जाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। अच्छा, जिस तरह आसिफ सोहरावर्दी साहब ने हमें ये बताया कि डिग्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, कभी भी कहीं भी आपको ये काम आ सकती है, जब आप 50, 60, 70, 80 साल के भी जब खाना आने की हिम्मत नहीं होगी ना तब भी आपकी डिग्री आपके कहीं ना कहीं काम आ सकती है, तो डिग्री होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यहाँ पर दो क्वेश्चन है, एक ये कि होटल मैनेजमेंट 4 इयर्स का भी है जो कि बैचलर्स के इक्वल होना चाहिए, लेकिन जैसा आपने बताया कि हमारी हुकूमत जो है उसे वो डिग्री नहीं कंसिडर करती है, जरा इस हवाले से थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। और सेकेंड में जो क्वेश्चन है वो ये कि एंटरप्रेन्योरशिप, एक ये टर्म आजकल बहुत ज्यादा आम है हर जगह, हर कोई ये बनना चाहता है कि भाई आई वॉन्ट टू बी एन एंटरप्रेन्योर या मैं हूँ, तो ये जो डिप्लोमास हैं ये करने के बाद ये एंटरप्रेन्योर बनने वाला जो लोगों के अंदर कुछ होता है ना, कुछ खिचड़ी पकड़ी होती है, तो वो किस हद तक इसमें कामयाब हो सकते हैं या फिर ये
मुश्किल है या नामुमकिन है, जरा प्लीज बताएगा। एक तो होटल मैनेजमेंट, देन एंटरप्रेन्योरशिप वाला क्वेश्चन। देखिए, नामुमकिन तो कुछ भी नहीं है, तो सब मुमकिन है, आप कर सकते हैं। लाइक कमिंग बैक टू द फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर देखें, चार साल का जो डिप्लोमा है वो बिल्कुल, लेकिन वही वाली बात है कि आपकी रिकॉग्निशन, अब अगर फॉर एग्जांपल ये वोकेशनल ट्रेनिंग जो बोर्ड्स हैं, अगर वो उसको एज अ डिग्री इक्विवेलेंट मान रहे हैं, तो देन इट्स फाइन कि अगर आपको ये बोले कि आपकी चार साल की डिग्री हो गई और अब आप ये सर्टिफिकेशन या डिप्लोमा के ऊपर मास्टर्स कर सकते हैं फलाना यूनिवर्सिटी से, तो देन फाइन, वो बिल्कुल डिग्री है। लेकिन अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपकी वो डिग्री नहीं है। पहले जमाने में, मतलब व्हेन आई डिड दैट, हमारे वक्त तो बीए वगैरह भी होता था, बीए एमए, नाउ बीएस आ गया। तो आपको अब वही वाली बात है, पहले तो हम दो साल के बाद बीए हो जाते थे या बीकॉम कर लेते थे, अब हम वो भी नहीं कर सकते, वी हैव टू गेट इनटू द फुल फ्लैश फोर इयर्स डिग्री प्रोग्राम। तो ये वाली सारी चीजें भी साथ में, तो आपने इनको कंसिडर करना है। और नाउ कमिंग टू द एंटरप्रेन्योरशिप वाली बात, देखें आप बिल्कुल करें, पीपल हैव दैट इन देयर जीन्स। कुछ के फैमिली बिजनेसेस होते हैं कि केटरर्स हैं, उनके बच्चे आए हैं, सो दे आर लाइक कि नहीं भाई, वी हैव ऑल दिस, तो हम भी आगे अब यही लेके जाएंगे, वी आर इन बॉर्न एंड वी आर मेड, वी आर बॉर्न टू डू दिस, ये सारी बातें हमें सुनने को मिलती हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होती है जो मैंने अपने एक्सपीरियंस से सीखा। अच्छा, जितनी मैं बात कर रहा हूँ वो मैं अपने एक्सपीरियंस से कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें जनरल होंगी लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन और मैं जिन चीज़ों से गुजरा, आई एम नॉट जनरलाइज मुझे लगता है आप बेहतर जब काम कर सकते हैं जब आपको बहुत अच्छा रगड़ा लगा। This is what was the word which was used, जब my teachers कहते थे बेटा एक दफा रगड़ा लग जाएगा ना फिर तुम ठीक हो जाओगे। And really it was, जब आप pressure में काम कर रहे हैं, जब आप किसी के under काम कर रहे हैं, तो उससे ये होता है आपको management का अंदाज़ होता है कि भाई चीज़ें चलाई कैसी जाती है। अगर आप एक दिन बोलें कि चलो अब मैं एक होटल खोल के बैठ गया हूँ, तो आपको जब उसकी अलिफ बे नहीं पता है, किताबी मालूमात और एक्सपीरियंस के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। किताब में ये नहीं बताएंगे कि भाई किसी दिन तुम्हारे होटल के अंदर मासी नहीं आई या जमादार नहीं आया तो तुमने उसका क्या करना है। तो वो वाली सारी चीजें ना, आप जब किसी जगह पे काम कर रहे होते हैं जहाँ पे एकदम से फॉर एग्जाम्पल डिमांड लिस्ट का सामान कम पड़ गया, चीज खत्म हो गई, खाने में अचानक लास्ट डिश थी, रेस्टोरेंट क्लोजिंग पे था, नमक ज्यादा पड़ गया, पीछे स्टॉक ही नहीं है, ये कोई इस तरीके, ये जो सारी चीजें होती है ना, ये आप अपने एक्सपीरियंस से लर्न करती है, हमारी एक्सपीरियंशियल लर्निंग होती है। That is why आप बिल्कुल अपना स्टार्टअप करें, सब कुछ करें, लेकिन कहीं पे एडिक्वेट एक्सपीरियंस ले लें कि किस तरीके की चीजें चलती हैं, ताकि जब आप वहाँ काम करें तो आप वो गलतियां ना कर रहे हो अपनी जगह पे जहाँ पर जो है आप जो पिछली जगह पे हो रही थी या जो आपको लगता था कि ये चीजें सही नहीं है, उनको सुधारने के लिए आपके लिए योगा ऑप्शन होगा कि यू कैन टेक केयर ऑफ इट। ऑल राइट, अच्छा यहाँ पर एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में एक राइज हुआ है कि जैसे आपने कहा ना कि नमक खत्म हो गया और पीछे स्टॉक भी खत्म हो गया, और ये सब चीजें हम तजुर्बे से सीखते हैं, जैसे रगड़ा इज अ परफेक्ट वर्ड फॉर दैट। तो अगर मैं ये कहूँ या आप इसे क्लियर कीजिएगा कि अगर एक शेफ है, एक प्रोफेशनल शेफ है, तो उसका डिसीजन मेकिंग एज वेल एज प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी प्रॉब्लम सॉल्वर होना उसका किस हद तक जरूरी है, या ये स्किल्स उसकी किस हद तक शार्प होना बहुत जरूरी है बीइंग अ परफेक्ट शेफ इन एनीवेयर। It is all about it. When you are going to a good institute to study, this is what they talk about at first. Yeah, main bhi when I'm teaching ya main koi classes de raha hu to uske andar hum matlab that is the only thing jiske upar hum pehle focus. क्योंकि अगर आप एक किताबी कीड़े बन के या वो एक बिल्कुल एक पपेट बन के बैठ जाएंगे कि ओके शेफ रेसिपी लिखेंगे और मैं बना लूंगा, दिस इज नॉट द टैलेंट। टैलेंट आपकी मैनेजमेंट होती है। एंड जब हम ये शोज देखते हैं, मास्टर शेफ और ये सारी चीजें देख रहे होते हैं, उसमें भी हमें यही पता चलता है ना कि भाई आपकी किताबी नॉलेज एक जगह, लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल अब जैसे किसी से कोई चीज जमीन पे गिर गई और आपके पास 20 मिनट ही है काम करने के लिए, और आपको अब आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप जो फिले आपका जमीन पे गिरा है आपको उसको दोबारा गला सकते, तो उसमें आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ही काम आ रही है। क्या आप किसी से मांग रहे हैं, किसी को आप इतना परसुएट कर रहे हैं कि कोई आपको अपनी चीज शेयर करवा रहा है, इस तरीके के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमें ये ये जो प्रोग्राम्स होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ यू डिलीवर, आपकी अपनी आपके अपने टेस्ट बर्ड्स कितने डेवलप हैं, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती हैं। एंड दिस इज द बेसिक स्पार्क जो एक इंसान के अंदर होता है, और नॉट इन दिस फील्ड, इन एवरी फील्ड। ये बेसिक एटिकेट्स हैं या बेसिक चीजें हैं जो एक इंसान अपने अंदर अगर लेकर आ रहा है, कुछ चीजें
बाय बर्थ भी होती है, मतलब जेनेटिक्स, बचपन से आप देख रहे हैं ये वाली चीजें. कुछ जगहों पे आपको अपना दिमाग थोड़ा सा चलाना पड़ता है. यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू पुट योरसेल्फ इनटू दोस सिचुएशन एंड यू हैव टू कम आउट विद द ऑप्शंस कि भाई मुझे क्या करना है. तो ये चीजों में आपको खुद अपने आप को करना पड़ेगा. और ये नहीं कि आप कलिनरी आर्ट सीख के एंटरप्रेन्योर बन के आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स ठीक करें, नहीं, ये आप जब करें जब आप सीख रहे हैं, क्योंकि आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन की उम्र है, आपके ऊपर मेंटोर्स हैं जो आपको गाइड कर सकते हैं. खुद आप अकेले खड़े होकर काम कर रहे हैं फिर आप बोले ओहो अच्छा आज मैं ये कर लेता हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल. वो आपको फिर लॉसेस की तरफ ही लेके जा रहा हो. तो ये सारी चीजें ठीक हो गया और वेरी वेल सेड. अच्छा, वक्त बहुत बड़ा उस्ताद है. मैंने कहीं पढ़ा था कि कुछ चीजें वक्त पर अगर ना सीखी जाए ना, फिर वक्त जब सिखाता है ना तो फिर बड़ी तकलीफ होती है. तो आपकी बातों से वही अंदाजा हो रहा है कि जब आपका टाइम हो, जब आप वो चीजें कर रहे हो, आपने स्टार्ट किया हो, तब ही सीखना है. ये नहीं कि सब डिग्री हाथ में लेने के बाद अब मैं प्रॉब्लम सॉल्वर बन जाऊं, अब मैं इस तरह से कर लूं, ये डिफिकल्ट हो जाएगा. तो लिसनर्स, इन चीजों का आपने ख्याल रखना है अगर आप इस फील्ड को एज अ करियर इन फ्यूचर लेना चाहते हैं, या अभी आप सोच रहे हैं कि बस मैं किसी तरीके से पहुंच जाऊं, तो आपने इनका ख्याल रखना है. और मैं बता दूं कि आप लोगों का फीडबैक जो बहुत ज्यादा जरूरी है, आप कैसे दे सकते हैं, 0330860072 इज द नंबर वेयर यू कैन लीव योर फीडबैक, ऑडियो फॉर्म, टेक्स्ट फॉर्म, जो पसंद है उस तरह से आप हमें शेयर कर सकते हैं. ठीक है, अच्छा, खैर वक्त काफी ज्यादा हो चुका है तो आपसे अब थोड़ा सा कुछ मेन क्वेश्चन कर लूं. वो ये कि वो स्टूडेंट जो आना चाह रहे हैं ये तो ठीक है, लेकिन अकॉर्डिंग टू यू ऐसे कौन से स्टूडेंट्स हैं या जो भी लोग हैं उनमें अगर वो क्वालिटीज ना हो तो ये फील्ड उनके लिए नहीं है. आप वो चीजें बताएं कि अगर आप में ये नहीं है, आप अपने आप को देखें, टटोलें, और अगर लगता है कि इनमें से एक भी चीज कम है तो फिर इस फील्ड की तरफ मत आइएगा, खुदारा. तो वो चीजें आपने बतानी है उन लोगों को जो आना चाहते हैं लेकिन उनमें ये चीजें नहीं है, तो फिर वो यहाँ आकर अपना टाइम वेस्ट ना करें. देखें, अब ना असल में क्या हो गया, अब बच्चे ना एज अ चैलेंज लेने लगते हैं. जब हम ये बोले ना तो हम ये काम नहीं कर सकते तो वो और अच्छा करके दिखाते, तो इसलिए हम ये चीजों पे जाते ही नहीं. सो मैं आपको वो टिप्स देता हूँ जिससे आप बेहतर इंसान बन सकते हैं, या बेहतर कुकिंग की तरफ आप या कलिनरी स्टूडेंट बन सकते हैं या कलिनरी आर्टिस्ट बन सकते हैं. सबसे पहले देखें अपने हिसाब से अपना डोमेन सेलेक्ट करें, अपने एक्सपीरियंस के बाद भी इंसान को होता है. फिर वही वाली बात है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं पेस्ट्री शेफ बनना चाहता हूँ, मुझे एक अच्छी जॉब मिल रही है हॉट किचन के अंदर, आई हैव द डिप्लोमा, आई हैव स्टडीड, तो somehow मुझे उधर भी जाना पड़ता है. लेकिन जब आप पढ़ रहे हो, जब आप अपने आप को प्रैक्टिस कर रहे हो, तो उस वक्त देखें कि आपके क्या बेसिक आपके मतलब स्ट्रेंथ्स हैं, क्या आपकी वीकनेसेस हैं. कुछ लोग होते हैं वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड कहते हैं कि भाई नहीं, हम बेकिंग नहीं कर सकते, हम हॉट किचन में काम नहीं कर सकते. तो वो वाली चीज़ों को अपने डोमेन्स को जो है स्ट्रेंथ्स अपनी देखें कि आप क्या काम कर सकते हैं. फिर वही बात है, जब हम कमर्शियल काम के ऊपर आते हैं तो कमर्शियल काम जब किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, वहां करना और घर में हफ्ते में एक दिन कोई डिश बना लेना में बहुत जमीन आसमान का फर्क होता है. तो इस चीज को भी कंसिडर कीजिएगा कि आप बहुत पैशनेट हैं, अगर आप हफ्ते में रोज भी एक पतीली कुछ बना रहे हैं तो दैट डज नॉट मेक यू अ शेफ. शेफ को मतलब आपको सुबह जो है बहुत लंबी शिफ्ट्स होती हैं, जो इनिशियल जो इंटर्नीज होते हैं या ये जो सब इंटर्न्स होते हैं, इन लोगों को बहुत मतलब स्ट्रेट 12-12 घंटे की शिफ्ट में भी काम करना पड़ता है. तो जो है हमारा माइंडसेट ये होता है कि वी आर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, तो हमें फौरन से एक जो है व्हाइट कॉलर जॉब मिल जाएगी, एक ऑफिस मिल जाएगा, एंड समबडी वुड आस्क अस कि आप भाई हमारे लिए रेसिपी डिजाइन करें, मेन्यू बनाएं. इस तरह नहीं होता. आपको ये हो सकता है कि आपको किसी जगह पे आप जॉब पे गए हो, किसी रेफरेंस के थ्रू गए हो, वहां पे आपको 50 किलो की जो है बोरी मिल जाए प्याज की और बोले बेटा बैठ के प्याज काटना है, ये काम है आपका. तो आपको ये महसूस होता है कि भाई ये जो ऊपर हमारे हैं वो तो इतने पढ़े लिखे भी नहीं है, हम 3-4 लाख रुपए इन्वेस्ट करके कोर्स कर आए हैं एंड वी नो अलॉट मोर देन दिस, लेकिन हमसे प्याज कटवाई जा रही है. लेकिन ये आपके पार्ट ऑफ रगड़ा होता है. काफी बच्चों ने ये भी बताया, मतलब जो फ्रेंड्स थे मेरे, उन्होंने ये भी बोला कि भाई वहां पे आटे की बोरियां वो होती थी, डब्बे होते थे किलो किलो के, वो हमसे आटा गुनवाते थे. तो बहुत सारा इस तरह का काम होता है, लेकिन ये आपकी बेसिक बेबी स्टेप्स होते हैं जो आपने करने होते हैं और आप इससे आगे ग्रो करते हैं. इट डज नॉट मीन कि आप जाके 2-4 साल के बाद एक पोजीशन पे पहुंच जाए, आप नई जगह पे काम करना शुरू करेंगे, वो फिर आपको बोलेंगे प्याज काटने बैठ जाओ या टमाटर काटो. नहीं, वो आपकी लर्निंग हो चुकी है, वो उस टाइम के लिए वो चीज वो रगड़ा जरूरी था और उसने आपको शेप किया है जो आप आगे 2-5 सालों में. अगर आप ये सब काम नहीं कर सकते एंड यू आर लाइक यू आर द
पापाज प्रिंस और प्रिंसेस, तो आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है कमर्शियल इंडस्ट्री के अंदर काम करना. हाँ फिर बच्चे ये करते हैं, इंडिविजुअल्स ये करते हैं, वो अपने प्राइवेट घर से कोई ना कोई बिजनेसेस और ये सब कुछ स्टार्ट कर देते हैं. तो दैट इज अप, इफ यू वांट टू डू दैट यू कैन डू इट, एंड इट्स अ वेरी गुड प्रोफेशन फॉर दोस जो घर से बाहर नहीं जा सकते, खवातीन को लिमिटेशन होती है, दे वॉन्ट टू वर्क फ्रॉम होम, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं. कोविड में ये जो रेट ऑफ दिस होम बिजनेसेस एंड होम शेफ्स है ये बहुत इंक्रीज हुआ है. सो बिल्कुल ऐसा ही है, और आपने काफी डिटेल में इस चीज को बताया. लेकिन अच्छा मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने कहा ना कि आप अगर पापा के प्रिंस या परी हो तो फिर इस तरह वाला काम, यानी कि अगर आप में एंगर आपका मैनेजमेंट नहीं है, आपका एटीट्यूड प्लस आपका जो ये डिसीजन मेकिंग स्किल्स हैं, और सेकंड आप किसी की सुनते नहीं हो, तो फिर मुझे लगता है ये फील्ड आपकी नहीं, क्योंकि इसमें इतना ज्यादा सुनना पड़ता है ना आपको, क्योंकि आप जाते हो बातें बड़े नहीं बन जाते हो, आपको पहले सुननी पड़ती है, उसके बाद आप इस काबिल होते हैं कि अब आप सुनाएंगे कि भाई अब मैं हूँ यहाँ पर, मेरी सुन. तो इन चीजों को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा लिसनर्स, अगर आपके अंदर ये स्किल्स कम है तो प्लीज इन्हें बढ़ा लीजिए और फिर यहाँ पर आइएगा, ताकि आप आराम से काम कर सकें और लोगों की सुन सकें, क्योंकि सुनेंगे तो कल को आप अपने आप को सुनाने के काबिल कर सकेंगे, किसी और को बताने के काबिल हो सकेंगे. बिल्कुल सर, ये बातें बहुत अच्छी चल रही हैं, थैंक यू सो वेरी मच. आपने इतना इतना अपना जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पर उसमें से एक्सट्रैक्ट करके हमें बताया अकॉर्डिंग टू आर क्वेश्चंस. अच्छा लास्ट में यहाँ पर ये कि आपका फाइनल मैसेज, फाइनल वर्ड्स क्या होंगे फॉर दोस्त हु वांट टू डू दिस और जो कर रहे हैं ऑलरेडी, तो उन्हें आगे क्या करना चाहिए, किस तरह की जगहों पर वो अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बाहर इसका क्या स्कोप है, पाकिस्तान में तो खैर है ही है, बाहर इसका क्या स्कोप है, इन शॉर्ट इसको थोड़ा सा समराइज कर दीजिए और फिर बाय. अच्छा देखें, पाकिस्तान से ज़्यादा बाहर इसका स्कोप है, प्रॉपर चीज़ें हैं आपके पास, मटेरियल बहुत अच्छा अवेलेबल है यहाँ पे, हमें क्रीम्स बहुत, मतलब फॉर एग्जांपल एक वहाँ पे आप एक स्टोर जाएंगे तो आपको 50 किस्म की क्रीम मिल जाएंगी, यहाँ पे हमें दो ब्रांड्स ही मिलेंगे या तीन ब्रांड्स ही मिलेंगे, वहाँ टाइप्स है, नॉन फैट है, ये है, फलाना है, तो बाहर तो उसका स्कोप वैसे ही बहुत ज़्यादा है. तो इट्स गुड अगर आप इमिग्रेशन पर्पस के लिए कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप वहाँ पे जाके एक अच्छा लाइफस्टाइल बना सकते हैं, आप कॉम्पिटिशन एक दो अटेंड करके अपने आप को थोड़ा सा इनटू द फील्ड आकर इस तरीके की चीजों में अपने आप को आगे प्रॉस्पर कर सकते हैं, चांसेस बहुत अच्छे इवन इन पाकिस्तान आल्सो. अब फिर अब तो टीवी इंडस्ट्री है, टीवी नहीं है, आपने अपना यूट्यूब चैनल बना लिया, वो फ्लरिश कर दिया, आप सेलिब्रिटी बन गए, तो ये बहुत सारी चीजें. एंड मैसेज नॉट ओनली फॉर द शेफ्स, मैं जनरल ऑडियंस को मैसेज देना चाहूंगा, आजकल के बच्चों के अंदर पेशेंस नहीं, मतलब हम अपनी तारीफ नहीं कर रहे या मैं कोई बहुत बाबा आदम के जमाने का नहीं हूँ, बट स्टिल जब हम काम कर रहे थे हम लोग हर चीज बर्दाश्त करते, आजकल का बच्चा एक वर्ड बर्दाश्त नहीं करता, दे मतलब वो हमें पहले जज करते हैं कि भाई ओके फाइन हमारा फाइनेंशियल स्टेटस इनसे वे बियॉन्ड है या नहीं, फाइनेंशियल स्टेटस की भी बात आ रही, बच्चों में पेशेंस खत्म हो गया, वो चार दिन डेडिकेटली जाएंगे वो बोलेंगे कुछ नहीं हो रहा लेट्स लीव, मतलब हम सालों काम करते हैं फिर हम देखते हैं कि भाई अब यहाँ है, प्रोग्रेस होती है, कभी कभार इट्स जस्ट दैट द टोटल वॉक, लेकिन आप बहुत ज्यादा सीख रहे होते हैं अपने वक्त के साथ साथ और ये सारी चीजें, तो अपने आप को गोल डायरेक्टेड रखें लेकिन बी पेशेंट विद इट, और जो काम कर रहे हैं चाहे आपकी नौकरी प्याज काटने वाली की हो या आप हेड शेफ लगे, जस्ट बी ऑनेस्ट विद इट, अपने काम के साथ जस्टिस करें, ताकि कम से कम मतलब उसके साथ अगर आप उस जस्टिस कर रहे होंगे वो आपको वैसे ही फ्रूट दे रहा होगा, चाहे आप किसी भी नौयत का काम करें, दिल लगा के काम करें, जो काम कर रहे हैं उसके अंदर थोड़ा इन्वेस्टेड रहें और थोड़ा सब्र और तहमुल के साथ काम करें, क्योंकि जो है वक्त लगता है, हमें जो है फिनिश प्रोडक्ट हम देखते हैं कि ओ फला गॉर्डन रैमजी हैं वो तो ऐसे हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रगल है वो कोई नहीं देखता, तो या कोई भी इस तरह की पर्सनैलिटी है, कोई प्रोडक्ट है, हम फिनिश प्रोडक्ट को देखते हैं, वॉट उस प्रोडक्ट कहाँ से बनकर आया है, कितना टाइम लगा है, कितने प्रेशर से गुजरा है, वी डू नॉट लुक एट दैट, तो उसके बारे में थोड़ा सा सोचें और अपने अंदर थोड़ा सा ठहराव लाएं ताकि आप सस्टेन कर सकें आप जो भी आपके पास आगे चीजें आ रही हैं. Thank you so very much for giving us your precious time and coming here in the studios of Nice Super Web Radio. Again, thank you. You're welcome. Thank you for having me. It was a pleasure being with you guys. Thank you. Here. All right, listeners, honesty is the best policy. Asif Sohrawardi ने जैसे ही कहा, patience बहुत ज्यादा जरूरी है और साथ में अपने काम से ईमानदारी, चाहे वो बहुत ही छोटे लेवल पर हो या बहुत ही बड़े लेवल पर, honesty वहां पर बहुत ज्यादा जरूरी होती है. तो आप लोगों ने इन बातों का ख्याल रखना है और इस फील्ड में अगर आप जा रहे हैं तो फिर आप इसमें फ्लरिश कर सकते हैं अच्छे से और खूब नाम कमा सकते हैं. ठीक है, तो करियर क्राफ्टर दानफक पाद का एक और जो बाब है ना वो इख्तिताम की तरफ जा रहा है. और आज का शो आप लोगों को कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, क्योंकि आज मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि कुकिंग इज समथिंग
मतलब मुझे नहीं लगता कोई ऐसा शख्स है जिसे खाना ना पसंद हो. चलो पकाना पसंद हो या ना, लेकिन खाना पसंद ना ऐसा हो नहीं सकता. तो खैर आज का शो कैसा लगा प्लीज जरूर फीडबैक दीजिएगा. फेसबुक व्हाट्सएप दोनों जहां पर आपको आसानी लगे वहां पर आप हम तक पहुंच सकते हैं, हमें बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा और इन फ्यूचर आप किस तरह के शोज सुनना चाहते हैं तो आप लोग बिल्कुल बता सकते हैं. और वक्त जो है वो अब जो है काफी कम रह गया है और वक्त को अहमियत देनी चाहिए, नहीं तो फिर वक्त आपको अहमियत नहीं देता. तो इसीलिए जाने से पहले हमेशा की तरह एक ही बात कहना चाहूंगी, जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे आपने रंजिशों दावतों में जाया नहीं करना है. अगर कोई आपका अपना नाराज है रूठ गया है तो उसे मना लें, क्या पता कल हो ना हो और फिर आप बस पछताते रह जाएं, काश मैं उसे मना लेता, काश मैं उसे मना लेती, काश मैं उसे जाने ना देता और काश मैं उसे जाने ना देती. ठीक है, तो ये काश काफी तकलीफ देता है तो और मैं नहीं चाहती मेरे प्यारे से लिसनर्स आपकी जिंदगी में थोड़ा सा भी काश हो. ठीक है, इन अच्छी बहुत सारी जो अच्छी बातें मैंने की है उन्हें अपने दिमाग में रखना है, अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, मुझे दुआओं में बहुत सारा याद रखना है. तो जिंदगी वक्त और हालात ने साथ दिया तो सेम टाइम सेम प्लेस और फॉर श्योर सेम चैनल आप लोगों से मेरी मुलाकात होगी. तब तक अपना रखिएगा ख्याल. हास्ता ला विस्ता.